बीजेपी के टाइम पे आवाज नहीं है, मार भी सकते हैं, मर भी सकते हैं, आपस में लड़वा देते हैं, खुद तो बैठ जाते हैं घरों पे। एक तो उन्होंने हमारे मरकज पे उंगली उठाई, उसमें गवर्नमेंट की कमी है ना, ना तो केजरीवाल बोला ना मोदी बोला, आप राशन ही हो रही खाओगे। कांग्रेस के टाइम पे आवाज थी, देखो आम पार्टी खपा, आम पार्टी के लोग बाग यूँ खपा है मुसलमान मोमिन भाई। एक तो उन्होंने हमारे मरकज पे उंगली उठाई, शाह साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश करी, वो थोड़ा छोड़ना चाहिए। आर्मी देखो सब एक है, आप मिलकर चलोगे सब अच्छा है, हमारा हिंदुस्तान तरक्की में जाएगा, और हिंदू मुस्लिम सब एक होके चले नंबर वन हो जाएगा हमारा हिंदुस्तान। हम तो हिंदुस्तान के लिए मुसलमान हैं, मार भी सकते हैं मर भी सकते हैं, अपने देश के लिए, समझे। लेकिन ये लोग जो राजनीति वाले नेता, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना समझी वाली बातें कर देते हैं, आपस में लड़वा देते हैं, खुद तो बैठ जाते हैं घरों पर। परेशानी किसको थी, आम जनता को, जो बेचारी गरीब है, कारोबार से उससे ठीक वालों से कितने मजबूर है, कितना कमा लेता बेचारा, वो फिर लड़ाई झगड़ों में पड़ेगा कि उसमें पड़ेगा वो। तो जब वो दो साल पहले NRC को लेके, CA को लेके यही पीछे साइन, हाँ शाहीनबाग में भी हुआ था, डेढ़ दो साल मतलब तीन चार महीने तक वो जाम रहा ही, तो उस टाइम पे जो एक मुद्दा था कि भाई पब्लिक को कन्वीनियंस हो रहा है, वो पूरा रोड ब्लॉक था, ये तो मेरे भाई ये गवर्नमेंट को सुनना चाहिए था ना, ये मसले को हल करती जल्दी। जब तो शाहीनबाग का हट्टा, तो एक आपनी मजबूरी के लिए किसी ने धरना दिया, आपने उसकी बात नहीं सुनी, तो लगातार आगे तक चलता रहा, उसमें गवर्नमेंट की कमी है ना, ना तो केजरीवाल बोला ना मोदी बोला। इस मसले को हल कराने में एक मिनट भी लगता है और एक साल भी लगता है, ये तो इनके ऊपर बात है, ये खींचे जा रहे थे ये लोग। आप तो आते हैं वहाँ पे मीटिंग करते हो, ये बातें ये वजह है, खत्म कर दो। अच्छा अरविंद केजरीवाल अब खुद को नेशनल पॉलिटिक्स प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है गुजरात जा रहे हैं, गुजरात में बहुत कायदे से प्रचार किया, MCD पे शायद उतना जोर नहीं है इस बार, हाँ क्योंकि BJP ने एकदम सबको उतार रखा है, CM आ रहे हैं, यहाँ प्रचार करते हैं रोड रोड पे, मालूम है वैसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल उस लेवल पर प्रोजेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी भी इधर देखो जी, इस टाइम तो समझ लो केजरीवाल हो कोई भी हो, ये लोग पड़े हैं कांग्रेस की जड़ को हटाने के लिए। अच्छा कांग्रेस को जड़ से ख़त्म करने के लिए, लेकिन कांग्रेस के टाइम में ये होता है, कारोबार अपने बच्चे का जो ठिए वाले हैं, गरीब है बेचारी जनता, उनका भी अच्छा खासा कारोबार चलता है। लेकिन इस माहौल में, इस सरकार में अभी इतना वो नहीं है, हर आदमी परेशान है, नोटबंदी से परेशान हो गया, कोरोना से परेशान हो गया, आदमी क्या करे, कितने मर चुके बेचारे, तो गरीब है कहाँ जाएगा। वो तो मोदी जी बोलते हैं हमने फ्री राशन दिया भाई पूरे टाइम, तो भाई राशन पूरे चलेगा, बच्चे ये जो चीज मांगेंगे उनको पैसा कौन देगा, आप राशन ही होली खाओगे, दूध भी है, चीनी भी है, पत्ती भी है, सब्जी भी है, यार आप गेहूं और चावल देने से खुद जाता गुजारा। बात कर लेते महंगाई का, महंगाई का है, महंगाई की बात करते हैं, आप महंगाई इतनी कर दी, अन्ना हजारी बैठे थे ये लगा लिया आपने सिलेंडर, उस टाइम 400 रुपये का था, आप 1200 रुपये का सिलेंडर है, आप इसी चीज़ को लगा लीजिए, तेल 61 रुपये, 800 रुपये लीटर है तेल, बताइए किसकी कमी। अब अन्ना हजारी साहब कहाँ हैं, कहाँ बैठे हैं वो, क्यों नहीं उठाते आवाज़, कि कांग्रेस के टाइम पर ही आवाज़ थी, BJP के टाइम पर आवाज़ नहीं है, बताइए आप।